अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लंबे समय के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का लोगों पर जादू नहीं चल पा रहा था। अच्छे रिव्यू होने के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ खास नहीं हो रहा था, मगर अब वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इजाफा हुआ है, जिसके बाद से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से उम्मीद की जा रही है। बेल बॉटम ने अपने पहले दिन लगभग 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया, दूसरे दिन लगभग 2.5 करोड़, अब तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म को दिल्ली NCR, बेंगलोर और कोलकाता में ग्रोथ मिली है, जिसकी वजह से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतर हुआ है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने लगभग अपने तीसरे दिन 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिसके बाद से अब तक का टोटल लगभग होता है 8.75 करोड़। वेल, देखा जाए तो इस हिसाब से अभी तो फिलहाल 1-2 दिन फिल्म और अच्छा कलेक्शन कर सकती है और उम्मीद है कि अपने 4th डे 4 से 5 करोड़ के बीच में कलेक्शन कर सकती है, जिसके बाद ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में 10 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर पाएगी। वेल, अक्षय की ये पहली फिल्म है जिसने 3 दिन में सिर्फ 7 करोड़ या 8 करोड़ का कलेक्शन किया, क्योंकि बाकी की जो फिल्में रिलीज होती है अक्षय की, वो सिर्फ अपने पहले ही दिन 10 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेती हैं। फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से और मेकर्स ने ये फैसला सही लिया है रिलीज करके या गलत, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज़।